नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये डीआरडीओ एमटीएस का ग्रुप एग्जाम डेट को लेकर के वीडियो, ये बहुत शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले भी वीडियो दे चुका हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मेरे काफी दोस्तों को सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि डेली आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इसके एग्जाम पहले अक्टूबर बताई जा रही है। देखिए, अक्टूबर भी निकल चुका है, अब आपको नवंबर बताई जा रही है। आप सबसे ज्यादा पैनिक हो रखें, पैनिक पे से आपको होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तैयार तो रहना चाहिए, लेकिन डर यह है कि एकदम से सर डेट आ गई तो प्रिपेयर कैसे हो पाएंगे, अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा आपका टेंशन है। देखिए दोस्तों, मेरे को बार बार डेट बदलने की, बार बार अपनी जुबान बदलने का शौक नहीं है। मैं जो बोलता हूँ मैं एक बार बोलता हूँ, यही सबसे बड़ी इस चैनल की खासियत है। तो मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताने वाला हूँ, उन चीजों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से, मैंने दो वीडियो डीआरडीओ एमटीएस एग्जाम डेट को लेकर के पिछले दो से तीन महीनों के अंदर मैंने ये दो वीडियो अपलोड किए हैं, उनमें मैं अपनी बात से नहीं पढ़ता हूँ और वो बात वैसे कंटिन्यू चलती जा रही है। अब आपको बार बार वापस से वीडियो अपलोड करके ये बताया जा रहा है कि आपकी जो एग्जाम है वो नवंबर में होगी। देखिए, मैं जो विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ आपके साथ बना हुआ था ना, उस पर अभी भी आपको उसी पे लेकर के चलो, आप टेंशन मत कीजिए, लेकिन आपके पास ज्यादा समय भी नहीं बचा है। देखिए, बहुत दिन, बहुत टाइम मिला आपको प्रिपेयर होने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए, तो अब आप इस भरोसे मत रहिए। लेकिन आपको जो पैनिक कर रहे हैं, जो आपको डरा रहे हैं कि ये एग्जाम होगा वो नवंबर में होगा, देखिए एकदम से ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी हो पाए। अभी एसएससी की, सीएचएसएल की एग्जाम चल रही, थोड़ी सी जो एग्जाम थी वो भी थोड़ी सी 10-15 दिन वो आगे बढ़ गई है, यानी नवंबर के अंदर एसएससी की बहुत सी एग्जाम्स है। मैं आपको क्लियरली कर दूं, दिल्ली पुलिस का जो शेड्यूल दे रखा है, ठीक है, ये फिक्स है। और भी एग्जाम्स हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं करना चाहूंगा, बस इतना से कहूंगा कि एसएससी का शेड्यूल फिक्स है नवंबर के अंदर। अगर आपको कोई भी डर आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, देखिए भगवान तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं आपको ऐसे बोल दूँ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। बाई चांस अगर कुछ ऐसा रीजन हो जाए, उनके अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि नाक के बराबर है, ठीक है, लेकिन आप प्रिपेयर रहिए, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। मुश्किल से मेरे को ऐसा लग रहा है कि 5-10% ऐसे चांस बनते हैं, और आपको ये बताया जा रहा है कि ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ, ऐसा कुछ हुआ है, देखिए उनके पास कोई भी सूचना नहीं है, सिर्फ वो एक स्टंट कह सकता हूँ उस तरीके से है जो आपको ये बताया जा रहा है। मैं आपको स्टार्टिंग से कहता आ रहा हूँ कि जो दिसंबर, ठीक है, दिसंबर का इनके पास फर्स्ट एंड सेकेंड वीक है वो खाली है, जो ना तो रेलवे ने ले रखा है, ध्यान दीजिएगा, ना तो वो रेलवे के पास है और ना ही वो जो चीज़ है वो एसएससी के पास है, ठीक है, ये दोनों की दोनों चीज़ों से सबसे ज़्यादा फ्री है। तो यहाँ पे जो टाइम बचता है, देखिए हमें फ्री स्पेस भी, अगर आपको कहीं जा करके बैठना है तो पहले आपको ये तो देखना होगा ना कि वहाँ स्पेस है या नहीं है। आप किसी की गोद में जाके बैठोगे तो या तो चाटा खाओगे या फिर आपको भी पता है कि क्या हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ स्पेस होगा, चेयर खाली है यहाँ भी, तो ही तो जा करके कोई बैठ सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक जो है, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड वीक जो है, यानी हो सकता है वो कंटिन्यू चलाए, कैसे भी चलाए, क्योंकि कैंडिडेट बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको सूचना आ सकती है, अगर स्टार्ट आप नवंबर में मानते हो, नवंबर लास्ट मान के चलिए, नवंबर लास्ट, ठीक है, लास्ट वीक, लेकिन ना के बराबर चांस है। नवंबर मानते तो लास्ट वीक, लेकिन नहीं होगा दिसंबर के, जो आपके फर्स्ट एंड सेकंड वीक के अंदर है, मतलब 10 से 15 दिन के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको डरने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। देखिए, आपको कोई क्या बोलता है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ, आप विश्वास कीजिए, आपके विश्वास पे हमेशा बना रहने की कोशिश करूंगा। दूसरी बात, आपके लिए करंट अफेयर जो रीजनिंग की क्लास चल रही थी, ये मत सोचिएगा सर ने क्लास बंद कर दी, ठीक है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं 10-15 दिन के लिए अपनी हर चीज को मूव ऑन नहीं कर सकता, इसलिए आपका सपोर्ट मुझे चाहिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे। आपको कैसा लगा, और सच्चाई पे अगर आपको विश्वास है, जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं वो आपसे इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ, तो आप समझ जाइए, लोगों की बातों में आके गुमराह मत होइए, परेशान मत होइए, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। जल्दी आपकी क्लासेज भी स्टार्ट होने वाली है, कोशिश करूंगा कि आपको लाइव क्लासेज प्रोवाइड करवा सकूँ, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ अभी इजाजत चाहूंगा। अगर आपको विश्वास हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन आपका एक कीमती जो शब्द है वो लिख करके मुझे जरूर बताइएगा, आपका प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। अभी प्लीज अभी दीजिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।